गया शहर के मुख्यालय स्थित टी मॉडल प्लस टू इंटर कॉलेज के विद्यालय में 2019 के तत्कालीन प्रभारी मृत्युंजय कुमार द्वारा 6 लाख रुपए का गबन किया गया। उनकी स्नातक शिक्षक डिग्री को भी गलत पाया गया था। मगध प्रमंडल आयुक्त ने दोषी शिक्षक को अविलंब प्राथमिकता दर्ज कराते हुए बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राव के द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। इस पर सुनवाई चल रही थी तो सुनवाई में साबित हुआ कि गबन मृत्युंजय कुमार ने किया है और डिग्री भी इनकी फर्जी पाई गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिए गए कि इन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाए, जो 13 मई 2023 को वरीय पदाधिकारी द्वारा चिट्ठी दी गई, इसको जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इसे अनदेखी कर कहीं ना कहीं मृत्युंजय कुमार को बचाने में लगे हुए हैं। मोटा रकम का लेन देन मृत्युंजय कुमार द्वारा किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को संपत्ति की जांच की मांग की गई है। अगर इन पर जांच नहीं की गई तो बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री और न्यायालय की भी दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिला के आयुक्त महोदय इसको प्रूफ कर दिया और डिग्री का भी कहीं न कहीं कोई कागज सत्यापन कर नहीं मिला, जिससे डिग्री भी इनका फर्जी पाया गया। तो माननीय आयुक्त महोदय, FIR का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को उन्होंने 13/5/2023 को चिट्ठी जारी कर DO मुख्यालय में भेज दिया गया, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं 2-4 बार संपर्क करना चाहे फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन रिसीव नहीं किए। उसके बाद मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या लिख कर दिया हूँ, मैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के यहाँ दिया हूँ, निदेशक के यहाँ भी मैं दिया हूँ, शिक्षा माध्यमिक निदेशक महोदय के पास भी मैं दिया हूँ।